पता तो नहीं करो आपको और कदम कदम पे लड़े हो तुमसे आज के पुत्र को जला कर निकलना तो जमीन धूप में हो वीडियो में आ रहा आपके पुत्र को जला कर निकलना तो जमीन धूप में हो अरे यार क्यों बंद करें आप हम लोग तो देखो पिछला आवाज में तो इसी तरह से कर रहे हैं राजभवन के आवाज के बाद ही हम लोग एग्जाम नहीं दिया जा रहा बार बार बोला जाता है कि प्रोसेस में मैटर प्रोसेस में अभी एक साल से प्रोसेस कर रहे हैं कितने साल तक प्रोसेस ही करते रहे हम लोग अपना डिग्री कम्प्लीट कब करेंगे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं क्या नाम है आपका क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आश्वासन देता है कि लेंगे लेकिन अब तक एग्जाम हम लोग का नहीं ले रहा है कब से ये आपका लंबित मामला है ये हम लोग का धरना एक साल से ऊपर हो गया है नंबर 3 हम लोग पिछले साल से दे रहे हैं आपने अपने पुत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ जो लगातार जो जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है खास तौर पर आपको बताएं कि बीएड के विद्यार्थियों का 1.5 लाख रुपया लिया गया इनका रजिस्ट्रेशन तक हुआ इनकी इनका फॉर्म भराने की जब बारी हुई अचानक इनको रद्द कर दिया गया मामला हम लोग राजभवन ले गए और राजभवन में दो बार महामहिम कुलाधिपति फागु चौहान जी से हमारी मुलाकात हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कुलपति को बुलाया गया बातचीत की गई छात्रों को प्रतिनिधियों के सामने में उनका भी और हमारा भी सबका दस्तखत हुआ एक इकरारनामा हुआ विश्वविद्यालय परीक्षाएं लेगी लेकिन बावजूद भी विश्वविद्यालय अपनी बातों से मुकर रहा है और गवर्नर हाउस के जो पत्र है उसको भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति आप देख रहे हैं कि आज नहीं आए हुए हैं यह कोई नई बात नहीं है आप देखिएगा अगर रोज बरोज तो महीना में एक सप्ताह अगर आते होंगे तो वह ज़्यादा ही होगा सवाल है कि कुलपति तो बतौर इनको क्यों वेतन दिया जाता है इस पूरे मसले पर इतनी अराजक स्थिति पर राजभवन संज्ञान में ले और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कुलपति को मुकम्मल कार्रवाई करने को कहते हुए इन तमाम विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने का अविलंब आदेश दे नहीं तो हम पूरी तरह से उग्र आंदोलन में जाएंगे और हमारे उग्र आंदोलन की कोरोना की अवधि के बाद भी हम लोग का फिर से आज से अभियान शुरू हुआ है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता सर अपना परिचय दीजिए सुशील कुमार राष्ट्रीय सचिव AIS